अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनुस। मुझे उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेयर शेप एंड स्केल टूल। जैसा कि हम लोगों ने वैसे भी आम पढ़ा था कि हम लोग जो है पॉलीगॉन ले लेते हैं, पॉलीगॉन को हम लोग इस तरह भी हम लोग इसको स्केलिंग कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इसको स्केलिंग कर सकते हैं, रोटेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो ये टूल्स का क्या मकसद है, ये तीन जो टूल्स हैं इनका टूल का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये टूल्स क्यों अलग से दिया गया है। वापस करें, हमने एक पॉलीगॉन ले लिया। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं स्केल टूल की तरफ। स्केल टूल को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे और किस तरह ये इजी हो सकता है हमारे लिए, किस तरह ये चीज़ें इजी हो सकती हैं। स्टोक कैसा करते हैं, हम लोग ब्लैक रहने देते हैं इसको, थोड़ा सा हम लोग फाइल दे देते हैं। ओके, स्टोक फाइल दे दी हम लोगों ने। सबसे पहले अपना टूल, अपना स्केल टूल सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और इसको डाउन किया और इसकी एक कॉपी ले ली ऑल्ट प्रेस करके साथ। ओके, देन कंट्रोल डी प्रेस करके ये देखें, ये हमारे पास बहुत जबरदस्त सी शेप आ गई है कि है स्केल टूल से कि हमने कितना जबरदस्त सी पॉलीगॉन से कितनी जबरदस्त स्पेस शेप बना दी है। ओके, फर्ज करें कि हम लोग एक बॉक्स ले लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ये हमारे पास बॉक्स आ गया। ओके, हमने फिर दोबारा स्केल टूल सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके इसको डाउन किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको डाउन किया और साथ ही ऑल्ट भी प्रेस कर दिया ताकि इसकी कॉपी निकल जाए। फिर कंट्रोल डी हमने किया, ये हमारे पास शेप बन गई। अगर आप इसको बिल्कुल ओवरऑल इसकी डेप्थ देखना चाहते हैं तो आप इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी कम कर दें। स्ट्रोक कम करके देखते हैं, इसको 1 स्ट्रोक कर देते हैं। फिर शिफ्ट प्रेस करके स्केल टूल सेलेक्ट करके मैंने इसकी डाउन किया और आल्ट प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस करके ये देखें। गली हमारे पास बन गई, 1 पॉइंट परस्पेक्टिव बन गया, कितना जबरदस्त सी शेप्स हम लोग। ओके, ये शेप्स हमने बना ली। फर्ज करें कि पॉलीगॉन ही मैं ले लेता हूँ। साइज स्केल टूल पे जब मैंने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास एंकर पॉइंट आ रहा है, जिस तरह हमने हमारे पास रोटेशन में हमने पढ़ा था। इस एंकर पॉइंट को अगर हम चेंज करते हैं और फिर शिफ्ट प्रेस करके जब इसको क्लिक करते हैं तो ये शिफ्ट प्रेस करके जब हमने इसको क्लिक किया और के साथ ही प्रेस कर दिया तो इसकी कॉपी और भी कंट्रोल डी किया तो इस एंकर पॉइंट पे ये इसके डिफरेंट शेप्स बना रहा है। ओके, इस तरह जो भी एंकर पॉइंट आप रखेंगे उसके हिसाब से ये आपको शेप बना के दे देगा। फर्ज करें एक और रेक्टेंगल हमने ले लिया, रेक्टेंगल को फिर स्केल पे जब क्लिक किया ये हमारे पास एंकर पॉइंट आ गया। इसका एंकर पॉइंट ऐसा करते हैं, हम ये इस जगह पे रख देते हैं और शिफ्ट प्रेस किया और साथ प्रेस कर दिया और कंट्रोल डी कर दिया। देखें जो एंकर पॉइंट हम देंगे उसी हिसाब से ये चीज हमारे पास बन के आ जाएगी सामने। ओके, नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आ रहा है, हमने एक पॉलीगॉन ले लिया, पॉलीगॉन को हम कलर कर देते हैं, येलो कलर कर देते हैं और इसकी स्ट्रोक नल कर देते हैं। नीचे भी हमारे पास ऑप्शन होती है। ओके, एक कॉपी ले ली मैंने इसकी, कंट्रोल डी किया, सेम कॉपी साथ मेरे पास। स्केल का एक और
ऑप्शन में आपको बता दूंगा, फिर हम चलते हैं हम अपने सेकंड टूल की तरफ। स्केल टूल में ये है कि अगर आप ट्रैक सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप स्केल टूल से इसको करके छोटा भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है कि अगर आप इसे आपने इसको छोटा कर दिया, फिर उसके बाद अगर आप सिर्फ ड्रैग सिलेक्शन टूल से सिर्फ ये सिलेक्ट करते हैं, इधर से आप चाहे तो इसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया स्केल टूल का। स्केल टूल को अगर आप जो है ना, उसके बाद नेक्स्ट आता है शेयर टूल। शेयर टूल में क्या होगा कि आपने ओवरऑल इसको सिलेक्ट कर लिया, शेयर टूल किया, ये सबको मैं मूवमेंट कर रहा हूँ एक साथ। ओके, प्रेस करें कि आपने एक और बना लिया, ओवरऑल सिलेक्ट मैं करता हूँ, इसको ओवरऑल को मैं मूवमेंट करवाना चाहता हूँ एक तरफ। तो ये देखें, ओवरऑल मूवमेंट एक तरफ हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड जो टूल आता है, वो आता है हमारे पास रीशेप टूल। रीशेप टूल का क्या फायदा है कि आप कोई भी शेप हो भी उसको रीशेप कर सकते हैं और इजिली बना सकते हैं। फर्ज करें कि हमने एक एलिप्स ले लिया, ओके, एलिप्स ले लिया, अगर हमने इसके दरमियान में एंकर पॉइंट लगाना है और उसको मूवमेंट करवानी है तो वो किस तरह करेंगे। हम लोग तो सिंपल पढ़ चुके हैं कि हम लोग जाना सबसे पहले ऐड एंकर पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, और इधर से हम लोग इसकी मूवमेंट करेंगे। ओके, फिर आप एक अलग से पॉइंट इसका बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। रीशेप से क्या होगा, रीशेप से सबसे पहले आपने वो एरिया सिलेक्ट करना, डायरेक्ट इधर आप पॉइंट चाह रहे हैं, आपने सिलेक्ट कर लिया, आप रीशेप पे जाके इधर क्लिक कर लिया, कहीं भी क्लिक कर लिया जिधर आपने पॉइंट बनाना है। तो ये देखें कि आपको और किसी टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये ऑलरेडी रीशेप पे ऑप्शन दे दी, इसने एक एंकर पॉइंट लगा दिया और आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ओके, ओके, डिलीट मैंने इसको कर दिया। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग की तरफ। इंटरेस्टिंग में हम लोग क्या बनाएंगे, फर्ज करें कि मैंने एक ब्लॉक लगा लिया, और इसको मैं ग्रेडियंट दे देता हूँ, ये कलर पकड़ के इधर मैं रख देता हूँ, इसका लाइट कलर इधर ब्लैक दे देता हूँ। ओके, ये ब्लॉक मैं इधर लगा देता हूँ, अभी छोड़ लीव करता हूँ इसको। बॉक्स लगा लिया एक, इसको ब्लैक कलर मैंने दे दिया, इसको दोनों को सिलेक्ट करके इधर सेंटर को सेंट्रलाइज कर दिया। ये बॉक्स को मैंने एक और बार इसका मैंने लगा लिया और इसको भी सेंट्रलाइज कर दिया। ओके, कंट्रोल डी। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने एक और बना लिया, एक और बॉक्स बना लिया। ओके, कॉपी पकड़ के हम लोग इधर बना लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं इसको। ये जब हमने ग्रुप कर लिया, एक और कॉपी इसकी निकाल लेते हैं और इसको रोटेशन दे देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको पकड़ के हम लोग कर देते हैं। ओके, इसका ये हमारे पास आ गया ऑप्शन।
हम लोग इसको थोड़ा सा लैंडस्केप में कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी बड़ी ऑप्शन आए। हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कर दिया मैंने इसको। और अब हम जाते हैं अपने स्केल टूल में। स्केल टूल से जब मैंने इसको छोटा किया और साथ ही आठ प्रेस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास बड़ी जबरदस्ती चीज आ रही है। हमने आर्चेस बना के जबरदस्ती आर्चेस बना ली। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको मैं सिखाता हूँ। फर्स्ट किया कि आपने एक ब्लैक सर्कल ले लिया, इसको आपने थोड़ी इसकी स्ट्रोक रख ली, ओके। स्किन टूल पे मैं गया और इसका पिवट पॉइंट मैंने इस जगह पर रख दिया, ओके। शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने डाउन किया, ओके। शिफ्ट प्रेस करके इसको डाउन किया और आर डी से प्रेस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल डी किया तो ये देखें कितनी जबरदस्त शेप हमारे पास आ गई। सब स्केल टूल की मदद से आपको किसी और तरफ नहीं जाना पड़ेगा। स्केल टूल इतना आसानी से आपको चीज़ें बना के दे देगा। फर्स्ट कर ये चीज़ मैंने ले ली, इसको मैंने स्केल टूल पे ले आया और इसको मैंने छोटा कर दिया आर पे सब प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी किया। ये देखें कितनी जबरदस्त शेप आपके पास आ गई विद स्केल टूल। ओके, ये डिफरेंट शेप्स हमने बनाई है स्केल टूल के जरिए। एक ये भी हो गई, कंट्रोल जी मैंने किया और इसको ओके। इसके अलावा अगर कोई आप पेंट फर्स करें कि ब्रश टूल से ही कोई शेप बनाते हैं, ये मैंने एक शेप बना ली, ओके। किसी भी शेप को भी आप आराम से स्केल यूज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्केल पे मैंने क्लिक किया, इसको थोड़ा सा छोटा किया, स्केल पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, देन स्केल प्रेस करके मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया और आर डी प्रेस कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ये शेप हमारे पास बन गया अभी, ओके। उसके अलावा एनीथिंग इसके ब्रशेस में जैसे हमने पढ़ा था, पढ़ना आगे जाके कि कुछ भी हम लोगों ने लगा लिया, अगर ये हमने लगा लिया है इसको हम लोग जो है ना स्केल हमारे पास ये ऑप्शन है। स्केल से अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर इसको स्केल से थोड़ा छोटा कर दिया और हार्ड प्रेस किया, फिर कंट्रोल डी किया, देखें जबरदस्त सी ऑप्शन हमारे पास आ गई। ओके, ये था हमारे पास तीन टूल्स, स्केल टूल, शेयर टूल एंड शेप टूल। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।